आदरणीय गुलाब जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, हमारे पूर्व मंत्री कैलाश जी मेघवाल, यहाँ के लाडले विधायक ज्ञान जी प्यारिक, पूर्व मंत्री जनार्दन जी गहलोत, पूर्व मंत्री राम नारायण जी डूडी, पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण जी दवे, हमारे विधायक पुष्पेंद्र जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामचरण जी और सांसद पूर्व सांसद पुष्प जी, पूर्व विधायक देवी शंकर जी बूथड़ा, हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन फिरोज खान साहब, मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन साहब हिदायत खान जी और हमारे जिला अध्यक्ष जिन्होंने इतना सारा मिलके मेहनत करके इतना सारा काम किया, महेंद्र जी बोरा, आपको, आपकी टीम को और सब बीजेपी के इस तरफ बैठे हुए उस तरफ बैठे हुए सब कार्यकर्ता और नेतागण, अब कोई रह तो नहीं गया, सब लोगों को मैं बहुत ओहो ये कह रहे हैं महिला मोर्चा, मैं महिला मोर्चा सबसे पहले ही ग्रीट किया, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, और कोई रह गया तो मेरी भावना से जुड़े, मेरी भावना को समझ गए हो आप लोग सब, और मैं आप लोग सबको धन्यवाद आज देना चाहती हूँ। आज आपको यहाँ देख के मुझे बड़ी खुशी है। साथ में सबसे पहले तो मैं अपनी पिता की याद में मंडली खुर्द के हमारे कार्यकर्ता त्रिभुवन सिंह जी और गिरधारी सिंह जी ने 28 वर्ग मीटर जमीन जो हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए दिया है, ऐसा कोई अपनी भूमि देता नहीं है, परंतु जिसने इतने प्यार से और जितने इतने दिन से कार्यकर्ताओं के भूमिका निभाते हुए भी और प्यार से हम लोगों को ये जमीन दान दी है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के लिए, उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना पुण्य का काम हम लोग सबके लिए किया। ये एक बहुत जोरदार और बड़ा, मैं विश्वास करती हूँ, कार्यालय होगा भारतीय जनता पार्टी का, और दोनों भाइयों को इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ जो मोर्चों ने मेरे को ये चांदी के मुकुट पहनाए, पुष आपके ज्ञान जी, मैं ये पता करना चाहूंगी एससी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा दोनों ने मेरे को ये दिया, मैं आप लोगों को ये, क्योंकि आप जानते हो कि मैं लेती हूं नहीं, ये जाएगा एक ऐसी जगह में जहां आप गरीब को इसका मने पैसा करके और उनको दान करें, मेरी तरफ से प्लीज आप उसको पहुंचाने की, हेलो ज्ञान जी को, ज्ञान जी करते हैं ये आपके दवाई दार का काम और ये ऑपरेशन वगैरह का काम, उसके लिए आप रख लो उसमें, ये तो मेरी तरफ से मुकुट भी हो गया। सबसे पहले मैं अपने जो जिस पॉइंट से मैं शुरू होती हूँ मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगी। मेरे लिए जो बहुत ही ज्यादा दुख का एक विषय है वो ये है कि पूरे राजस्थान के अंदर ये पिछले 4-4.5 साल के अंदर जो हम लोगों को हमारी मूलभूत सुविधा को लोगों को पहुंचाना था वो मैंने देखा कि राजस्थान के अंदर कहीं भी नहीं पहुंचा। सातों संभाग के दौरा कर लिया, रेगिस्तान से पहाड़ों तक घूम लिए और 50 डिग्री गर्मी से लेके इस बरसात में भीग गए, परंतु जनता के साथ कंधा से कंधा मौज भी किया, खुशी भी की, दुखी भी हुए, सब कुछ देख लिया। और मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि मैंने जो देखा इन 4 महीने के अंदर उसमें एक भी जगह राजस्थान के अंदर मुझे नहीं मिली जहां ये मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंच पाई। हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, हम फैक्ट्री की बात करते हैं जहां गरीब आदमी पीने का पानी नहीं ले सकता, जहां किसान अपने खेतों को सिंचाई नहीं दे सकता, जहां हमको बिजली नहीं मिलती और आप कहते हो रोजगार नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, ऐसे बिना मूलभूत सुविधाएं के कैसा प्रदेश आगे बढ़ेगा, मुझे कोई समझाने की कोशिश तो करो। मैं तो देख के हैरान हूं कि एक प्रदेश का मुखिया इस मूलभूत सुविधा के ऊपर ध्यान नहीं देगा और रोज लोगों को याद दिलाएगा, 77 दिन से याद दिला रहा है कि हमने कितना बढ़िया काम राजस्थान के अंदर किया है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा भाइयों, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है कुछ? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक कार्यक्रम में यहाँ आई थी तो रूपमुनि जी महाराज के दर्शन करने का मौका मिला, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि सबसे पहले पेयजल समस्या को तुम समझने की कोशिश करो और उस पेयजल समस्या को इस क्षेत्र के अंदर ठीक करने की कोशिश करो। मैंने उस समय ठान लिया था क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि हम लोग पाली जिले के पेयजल समस्या का निराकरण करके रहेंगे
और हम लोगों ने 634 करोड़ रुपया अलग करके और जवाई पेयजल योजना की स्वीकृति की, जो पहले पाली फिर रोहट फिर सोजत और जैतारण तक पहुंचने का उसका काम था। हमने ये चारों क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया था, उसकी पाइपलाइन लेइंग का काम भी शुरू किया और उसके साथ साथ इतने सारे पैसे जमा करके उन लोगों को देने का काम किया। और मैं ये समझती हूं कि अब धीरे धीरे आपको वो काम देने का दिखाई दे रहा है कि रोहट के अंदर थोड़ा सा पानी आ गया, पाली के अंदर आ गया, परंतु इसको वहां तक पहुंचना चाहिए था 4.5 साल के अंदर, और ये क्योंकि उन्होंने काम धीरा कर दिया इसलिए सोजत तक नहीं और इसीलिए आपके जैतारण तक नहीं पानी पहुंचा, जो पहुंचना 4.5 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए था। हमने 1.5 करोड़ की पाली से धर्मधारी पाइपलाइन योजना स्वीकृत की थी और मैं जानती हूं कि इसकी वजह से कई गांवों को लाभ मिला। रोहित क्षेत्र के 62 गांव के लिए 21 करोड़ की पेयजल योजना भी स्वीकृत की थी और साथ ही राजेंद्र नगर और इंदिरा कॉलोनी के अंदर 6.5 करोड़ की लागत से 2 नए उच्च जलाशयों का निर्माण भी किया था। हमारी सरकार ने पाली में काला पीपल की ढाणी जल प्रदाय योजना का कार्य भी स्वीकृत किया था जो इस सरकार ने जाके रोका है। यहाँ सब किसान भाई बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ भाइयों, आपको 8 घंटे बिजली किसान को क्षेत्र के अंदर खेतों के अंदर मिल रही है क्या? कोई है किसान जिसको 8 घंटे मिल रही है? मैंने पता किया तो यहाँ तो इस तरीके से आपकी जो बिजली की समस्या है वो जिस तरीके से मिलना चाहिए नहीं है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिलती है और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। और महिलाओं के लिए मैंने अलग से बिजली दी थी, ये अलग से बिजली घरेलू बिजली के नाम से सिंगल फेज कनेक्शन आपको दिया था और हमने ये कोशिश की थी कि आने वाले समय के अंदर 24 घंटे बिजली आप लोगों को मिल जाए। तो 2008 में जब मैं निकल के गई थी तो 18 से 20 घंटे तक बिजली दी थी और अब मैं आपको कह रही हूं सरकार अपनी आएगी तो सबसे पहले ये 24 घंटे बिजली घर के अंदर देने का काम हम लोग करने वाले हैं। माता बहने इसको समझ लेना, इसको ऐसे हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। और मैंने ये पूछा कि पाली जिला के अंदर चिकित्सालय का तो इंतजाम होगा, आखिर में इतना बड़ा जिला है, तो पता किया कि 62 डॉक्टर के पद हैं यहाँ। तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोग सबका इंतजाम यहाँ अच्छी तरह से किया गया है। पता किया तो बता रहे मेरे को 20-22 डॉक्टर है, 62 में से सिर्फ 20-22। तो मैंने सोचा कि अगर आपको 20-22 डॉक्टर है तो फिर आपको भी वहीं जाना पड़ रहा होगा जहां सब लोग जा रहे हैं, कोई जाता है अहमदाबाद तो कोई जाता है पालनपुर और बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ लोग जाते हैं जोधपुर, नहीं तो ज्यादातर सब लोग इस रास्ते से निकल जाते हैं। यह आप लोगों के यहाँ भी हो ही रहा होगा और मुझे बड़ी शर्म आती है कि आज हम लोगों को यहाँ छोड़ के गुजरात कोई दूसरे स्टेट के अंदर जाना पड़ रहा है। ये हमारे प्रदेश को सब आज दिन तक संभाल लेना चाहिए था। ये और भी मैं कहना चाहूंगी कि पाली जिले के अंदर हमारे जो स्कूल है, जो स्कूल खोले गए हैं, ये सरकार अभी तक भवन नहीं बना पाई। और पाली जिले के अंदर टीचर कितने हैं कितने नहीं है, ग्रामीण स्कूल के अंदर कितने स्कूल ऐसे हैं जिनके ऊपर लॉक लग गए हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि माता बहने सबसे पहले हमारे प्रदेश के अंदर ये स्कूल्स का काम है, हम लोगों को हमारे बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है ताकि वो अपने पैर पे खड़े होकर आगे चल के काम कर सके। पर यहां तो मैं देख रही हूं कि लैपटॉप तो आपने दे दिया परंतु स्कूल्स के अंदर टीचर नहीं है पढ़ाने वाला। जब टीचर नहीं है पढ़ाने वाला तो आगे आप इस लैपटॉप का करोगे क्या, ये मैं पूछना चाहूंगी। और इसी तरीके से लेक्चरर नहीं है, 100 कॉलेजेस 100 पोस्ट है तो पोस्ट में से 25 पोस्ट होंगे। सेकंड ग्रेड टीचर्स उनकी कमी है और जहां जहां आपको उनकी जरूरत है वहां नहीं है लोग, तो हमारे बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। हम इस कोशिश में हैं कि जिस तरीके से हमारी सरकार के टाइम में हमारे बच्चों को 10 लाख नौकरियां देने का हम लोगों ने काम किया था, इस सरकार ने एक भी नहीं काम किया, तो आगे चल के मैं सेट परीक्षा का प्रबंधन करके और RPSC के द्वारा फिर से मैंने नौकरियां देना और रोजगार देने का काम करें ताकि उनको इन चीजों के अंदर फंसने की जरूरत नहीं हो। मैं आपको सबको ये कहना चाह रही हूँ कि RPSC को वापस लाएंगे, उसके द्वारा नौकरियां दिलवाएंगे और हमारे बच्चों को रोजगार का इंतजाम करके छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जो ये आज देखने को मिल रहा है। अब एकदम से याद आ गई कि बेरोजगारी भत्ता हमें देना है, अरे पहले दे देते, हम लोगों ने अपने समय के अंदर उसको खोल के रखा हुआ था। पहले आप 1 लाख के जो आय थी वहां तक के हम लोग दिया करते थे, अब एकदम से उनको याद आ गया कि चुनाव आ गया तो 2 लाख को बढ़ा के, यही पहले कर दिया होता 1 लाख पे ही कर दिया होता तो कितने सारे बेरोजगार बच्चों को सहायता मिल जाती और कितने सारे बच्चों को आगे नौकरी देने का हम लोग काम करते। परंतु ये सरकार सिर्फ अपना सोचती है,
सिर्फ अपना सोचती है। और मैंने सब लोगों को यह कह दिया कि महिलाओं को जो सरकार अगर सक्षम नहीं रखती, जो हमारे बच्चों को सक्षम नहीं करती, जो हमारे किसानों को सक्षम और मजबूत नहीं करती, ऐसी सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है क्या? बताओ भाइयों, कोई हक है? बिल्कुल नहीं है। और मैं इन लोगों को कहना चाह रही हूं, आज ही आपने अगर पेपर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे समाज में जो हमारी महिलाओं के लाइन में प्रदेश अव्वल था, आज महिला उत्पीड़न में दूसरे नंबर पे है प्रदेश पूरे देश के अंदर। कितनी शर्म की बात है। वो राजस्थान, जिस राजस्थान के अंदर हम अपनी महिला को पूछते थे, आज हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार रोज रोज हो रहे हैं। और जो लोग हमारी महिलाओं की इज्जत को नहीं बचा सकते, तो वो परिवार की इज्जत नहीं बचा सकते। ये परिवार की इज्जत तब बचेगी जब हमारी महिला की इज्जत है। और इसीलिए माताएं बहने, मैं कहना चाहती हूं कि हमारा जो नया राजस्थान बनेगा, उस नए राजस्थान के अंदर आपकी जय ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप सुरक्षित हो, जहां आप अपना सिर उठा के चल सको, जहां आपकी इज्जत के ऊपर कोई आंच न लगे। ऐसा राजस्थान, एक नया राजस्थान बनाकर हम खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें हमारी महिला, हमारे परिवार की इज्जत आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं इसी तरीके से आप लोगों को कहना चाहती हूं कि हमारे बच्चों के लिए, मैं सब लोगों को कह दिया, आज मैं देख रही थी सब दूर अपने पूरे राजस्थान के अंदर इन लोगों ने बच्चों के लिए सोचा कि अपने बच्चों को ये जा रही है, सब दूर कह रही है कि नौकरी का काम करेंगी। इसलिए मैं जब शेखावाटी से निकल के गई हूं, जिस इलाके में मैंने ये कहा कि तुम्हारे कॉलेज में खुलवा दूंगी, तो कॉलेज खोल दिए। अब आपने आज पेपर में पढ़ा होगा 34 कॉलेज एक साथ खोल दिए, परंतु तब खोले जब कॉलेज के सब एडमिशन पूरे हो गए, कैलेंडर भी जारी हो गया, यूनिवर्सिटी इन्हें कैसे परीक्षा की अनुमति देगा जरा कोई बताओ। और फिर लेक्चरर आएंगे तो कहां से आएंगे? आप सब जानते हो कि लेक्चरर की कितनी कमी है। परंतु हाँ, हमको करना था, हमको दिखाना था कि हम लोग, हम किसी से कम नहीं है। इसलिए हमने आगे जाके जो घोषणा करने की जरूरत है, वो घोषणा में हमने कमी नहीं छोड़ी। परंतु ये पूरी जनता जानती है कि समय आ गया है चुनाव का, और चुनाव के टाइम में जिस तरीके से चला चला के हम लोगों को कह रहे हैं कि अरे भैया लैपटॉप ले लो, और लैपटॉप के एवज में हमको पैसा दे दो। अभी झालावाड़ का किस्सा आपने सुना होगा, झालावाड़ में गए मुरारी मीना जी और उन्होंने लैपटॉप बांटे, और लैपटॉप बांटते बांटते उनके मुंह से निकल ही गया कि अरे बच्चों, ये तुमको लैपटॉप दे रहे हैं, पर कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और जब इलेक्शन होंगे तो अपनी मम्मी पापा को जरूर कह देना कि वोट देंगे अभी। अब बताओ भैया, ये क्या तमाशा बना के रखा है? मैंने आखिर पेट में रहा ही नहीं गया, उसको तो निकल के ही आना था। अरे इसलिए मैं कहना चाह रही हूं आप लोगों को, भाई साहब, गरीब के ऊपर जिस तरीके से अपमान हुआ जा रहा है, जिस तरीके से गरीब के दुख के ऊपर मिर्ची चिड़की जा रही है, आप देख लीजिए कि दिल्ली की सरकार ये कहती है कि 27 रुपए में आप गरीब नहीं हो, आप अच्छा खाना खा लोगे, 33 रुपए के अंदर आप यहाँ सिटी के अंदर अच्छा खाना खा लोगे। राज बब्बर कहते हैं आ जाओ बंबई में, हम 10-12 रुपए के अंदर बड़ा अच्छा खाना खिला देंगे। हम तो ये पूछना चाहते हैं गरीबों से, क्या ये सही है? अभी मैं रास्ते पे निकली थी तो रास्ते पे एक बूढ़े बाबा मुझे मिले, वो जा रहे थे काम करने के लिए नरेगा का, वो सोच रहे थे कि हमें मिल जाता है तो वहां ट्राई करेंगे, अपना टिफिन लेके जा रहे थे। मैंने ऐसे ही पूछा कि बाबा आपके टिफिन में क्या है, आप दोपहर को क्या खाओगे? तो बोले रोटी है और रोटी के साथ मिर्ची है। मैंने कहा कि क्यों, सब कुछ तो मिलता है, आप इतने 33 रुपए में आप लोगों को खाना नहीं मिल रहा ना? हंसने लगे। उन्होंने कहा एक मिर्ची मेरे नसीब में आता है, कभी कभी अगर मेरा सौभाग्य बन जाता है तो कभी कभी सब्जी मिल जाती है, अचार मैं तो खा ही नहीं सकता क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं है, और पुदीना और प्याज अब इतना महंगा हो गया है कि मैं पुदीने की चटनी ना प्याज खा सकता हूं, तो इन्हीं लोगों से बीच में हमको काम कराना पड़ता है। और माताएं बहने, अगर 27 का हिसाब है तो 810 रुपए महीने का हिसाब, अब उसमें गैस भी खरीद लो, या अगर आप इससे चलो तो 1000 एक गैस भी खरीद लो, अगर सिटी में हो गैस खरीदो, या आप जाके आटा खरीद लो, पर आटा तो वैसे मिलता भी नहीं है आजकल, दुकान के अंदर चले जाओ तो मैं देख रही हूं मंत्री घूम रहे हैं दुकानों के अंदर, आटा नहीं मिल रहा है। और एक दो तीन दुकानें नहीं, ऐसे 100-100 दुकानें हैं जो जयपुर के पास है जहां आटा नहीं मिला उनको, परंतु आप आटा भी खरीद लो, तेल भी खरीद लो, ये सब चीज अगर 1000 रुपए में खरीद सकते हो और आप अपने परिवार को चला सकते हो, खुद का काम चला सकते हो, तो मैं समझती हूं कि आप तो जादूगर हो।
अशोक गहलोत से भी बड़े जादूगर हो अगर आप चला सकते हो इस बात को। तो मैं आज आप लोगों को यह कहना चाह रही हूं कि कितना जोरदार नमक आपके घाव पे छिड़का जा रहा है। मैं ये कह रही हूं इसीलिए जमाना आ गया कि हम इन सब चीजों को एक तरफ रखें। जहां हम लोगों को ये कोई सामान नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं दे रहा है, हमको आगे बढ़ के एक ऐसा राजस्थान बनाना है जिस राजस्थान के अंदर हमको इन सब चीजों की कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है कि हमको पहले कमर कसने की जरूरत होगी, परंतु जो बीमारू प्रदेश अगर पैर पे खड़ा हो सकता था 5 साल के अंदर, तो फिर से खड़ा हो सकता है। कितने भी गर्त में इन्होंने डाल दिया हो उसको फिर से खड़ा करके हम छोड़ेंगे, परंतु हम अकेले नहीं कर सकते, ये कोई भी अकेले नहीं कर सकते। ये जादू आपका है। जिस दिन आप लोग तय कर लोगे कि हम लोग सबको मिलकर साथ देना है, इसका मतलब ये कि 36 के 36 कौम, इसका मतलब ये कि सब मजहब एक साथ चुल के एक परिवार के रूप में जब आगे चलेंगे तो राजस्थान विकसित होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज कांग्रेस की सरकारें जो है वो हमेशा आपकी गरीबी के ऊपर ताकतवर बनी है। उनको चाहिए ही नहीं कि आप लोग संपन्न हो जाओ। संपन्न हो जाओगे तो उनकी मांग ही नहीं होगी, और अगर आप लोग एक दूसरे के साथ चलने लगोगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा और वोट उनको पड़ेंगे नहीं। अब इस तरीके से तो मजहब के बीच में झगड़े होते हैं और जाति के बीच में झगड़े होते हैं, तो फायदा उनका होता है। इसलिए मैंने सबको कह दिया कि इस बार कोई झगड़े नहीं, हम लोग सब मिलकर साथ चल लेंगे तो ये काम होगा। आप क्या इस तैयारी में हो, कर सकते हो क्या, लड़ने को तैयार हो? वैसे आपके एमएलए साहब तो इतना काम करते हैं, ऐसे आप लोग उनके साथ जुड़ के करते हो, और मैं जानती हूँ कि ये बहुत लड़ाकू लोग हैं यहाँ। अरे आसानी से ऐसे नहीं इधर उधर नहीं होते, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जरा रास्ता दिखा दो, यहाँ से शुरू हो जाए, आगाज शुरू हो जाए और यहाँ से पूरे आपके पाली जाल और सिरोही के अंदर फैल जाए, और सबके सब सीटें लाने का काम यहाँ से अगर आप लोग चालू करते हो तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान को एक मिनट पिछड़ा नहीं रहने दूंगी। 65 साल निकल गए भाइयों, 53 साल अपन ने दिए कांग्रेस को। अगर नरेंद्र मोदी को 53 साल आपने दिए होते, या भारतीय जनता पार्टी को दिए होते, या आपको शिवराज चौहान को दिए होते, तो क्या हालत होती? 15 साल के अंदर कैसे बदल के रख दिया, 10 साल के अंदर अपने एमपी को किस तरह से बदल के रख दिया, और राजस्थान को 5 साल में हम लोगों ने किस तरीके से बदल के रख दिया, और 53 साल के बाद इन्होंने जिस तरीके से हमको गर्त में बिठाने का काम किया है, उनको एक मिनट के लिए भी उस कुर्सी में बैठने का हक नहीं है। इसलिए आज आप लोगों को मैं कह रही हूं कि हमें चाहिए एक ऐसा राजस्थान जिस राजस्थान के अंदर हमारे बच्चों को नौकरी मिले, एक ऐसा राजस्थान जहां वो पढ़े लिखे अपने पैर पे खड़े हो, एक ऐसा राजस्थान जहां हमारी महिलाएं अपना सिर ऊंचा करके आगे चले, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे किसानों को किसी चीज की कमी ना हो, उनको सही टाइम पे पानी, बिजली, आपका जो बीज खाद, और सही टाइम पे जब वो फसल लेने जाते हैं तो उनको अच्छे दाम मिले, ऐसा काम आप लोग करा सकते हो? करा सकते हो? आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को जब पाला पड़ा मुआवजा मिला, किसी को मिला? किसान भाइयों, किसी को मिला? नहीं मिला। किसी को 1 रुपए के हिसाब से 1 किलो गेहूं मिला क्या? 1 रुपए किलो के हिसाब से किसी को मिला? किसी को 55,000 रुपए अपना एक कमरा बनाने के लिए मिला बिना रिश्वत दिए? क्योंकि आजकल तो रिश्वत बड़ा चलता है, और मैं देख रही हूँ कि भ्रष्टाचार के मारे राजस्थान डूब चुका है। जहां जहां आप देख रहे हो वहां भू माफिया चल रही है। आपने देख लिया बाड़मेर के अंदर किस तरीके से हालत खराब हो रहे हैं, लीलाला से पचपदरा जमीन बिल्कुल बेच के खा गए हैं आपके भू माफिया, और कहीं भी अभी तक वो पेट्रोलियम की आपकी रिफाइनरी कहीं दिख नहीं रही है। इसी तरीके से आपके रोड जहां बन रहे हैं वो रोड की भी 2 लोगों को मालूम पड़ जाता है कि यहां से रोड बनने वाला है, वहां भी भू माफिया चालू हो जाती है। अरे भू माफिया है, आपके पानी माफिया है, आपकी माइनिंग माफिया है, हर चीज में कांग्रेस का हाथ है। ये कोई भी माफिया आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनके सब लोग, इस पार्टी के लोग जो भी हैं, वो साथ नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो सकता। और मैं ये कह रही हूं कि अब भ्रष्टाचार बहुत हो गया, ये पैसा आप ही का है, आपके टैक्स का पैसा है, आपके जेब का पैसा है, और आज भी ये जो खूनी हाथ है जिसको वो कहते हैं गरीब का साथ, ये गरीब के बिल्कुल साथ नहीं है, ये गरीबों के गले को दबोचता है, इसने गरीबों के पेट काटे हैं, इनके जेब काटे हैं, और महिलाओं का अत्याचार किया है। इस हाथ को काट के दूर फेंकने का काम हम लोगों को मिलकर करना है। अगर ताकत है तो बताओ, ताकत
ताकत है। दोनों हाथ ऊपर रख के बोलो कि हाँ ताकत है, हम लोग ये काम करके छोड़ेंगे। और अगर करके छोड़ेंगे तो याद रखना कि 4 महीने बाकी है। अरे लैपटॉप चाहिए तो पैसे ले जाओ, लुगड़ी चाहिए तो पैसे ले जाओ, चावल चाहिए तो पैसे ले जाओ, क्या चाहिए, सोने का महल बनाना है पैसे ले जाओ, आपको दूध की नदियां बहानी है तो भी पैसे ले जाओ, आप तो हर चीज के पैसे ले जाओ। अभी इलेक्शन का टाइम है, किसी चीज की मनाही नहीं है भैया, ले जाओ चाहे सब कुछ डूब जाए, आप ले जाओ। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान का सम्मान ये 4 महीने के अंदर नहीं होगा, राजस्थान के लोगों का सम्मान ये 4 महीने में नहीं होगा। हमें चाहिए ऐसी सरकार जो हमारी जनता का सम्मान 5 साल के लिए करती है, ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी इज्जत हमारे स्वाभिमान को बना के रखे, और वो सरकार आप लोग ही दे सकते हो। हम तो आपके साथी हैं, काम करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, परंतु आपका आपकी इज्जत उसको रखने का काम हम करेंगे। इन्होंने कितनी कोशिश कर ली है, कितनी फाइलें खोल दी है, रोज रोज कोई नया केस निकालने की कोशिश करते हैं, आपको यहां लुभाते हैं, हमको वहां धमकाते हैं। अभी गुलाब जी उठ के गए तो आपको मालूम है गुलाब जी के पीछे कैसे पड़े, ये अकेले नहीं है, सबकी फाइलें खुल रही है, कोई आ जाता है हाथ में, चाहे वो बीजेपी का नेता क्यों ना हो, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, उसको भी वो बंद करने की फिराक में है। मैं सब लोगों को कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता डरता नहीं है, हमने तय कर लिया है कि हम आपकी सेवा में इसमें जंग के मैदान में उतरे हैं, और इस जंग के मैदान में हम आपके साथ लड़ेंगे और लड़के इस खुशहाल, समृद्ध और मजबूत राजस्थान, एक ऐसा नया सुंदर राजस्थान जिसको किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाना पड़े, ऐसा राजस्थान जिसका नाम फिर से उन ऊंचाइयों पर पहुंचे। भाइयों हमें चाहिए एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारा स्वाभिमान, हमारी इज्जत हमको वापस मिल जाए, और हमारे चाहिए ऐसा राजस्थान जो उस राजस्थान के अंदर लोग दूर से फिर से आए, धंधा करने आए, बिजनेस करने आए, व्यवसाय करने आए, पढ़ने आए, देखने आए, टूरिज्म करने आए, सब चीज करने आए। ये सब काम के लिए हम लोगों को शक्ति रखनी है, हम लोगों को कमर कसनी है, हम लोगों को इस गड्ढे में से अपने आप को निकालना है, और हम विश्वास करते हैं कि उतनी ताकत आप में है कि हम और आप मिलकर इस चीज को कर सकते हैं। बस इस सपने को देख के आगे 4 महीने की लड़ाई लड़ो, मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ। और इस अगर है ताकत तो सब लोग मेरे साथ राजस्थान के लिए नारा दो, जोरदार जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जै जै राजस्थान।